अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोगों को आई में ये इशू आ रहा होता है कि उनकी जो रिकॉर्डिंग हो रही होती है वो मोशन बेस्ड होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो रिकॉर्डिंग हो रही होती है वो मोशन बेस्ड ही होती है। अगर आप कॉन्टीन्यूसली रिकॉर्डिंग चाह रहे होंगे तो आपको इसको अनेबल करना पड़ेगा। आपको मैं इसका तरीका दिखा देता हूँ। आप सेटिंग में जाएँ, सेटिंग में जाकर आप देखेंगे यहाँ डिटेक्शन में आप जाके देखेंगे यहाँ आपकी मोशन बेस्ड रिकॉर्डिंग है। तो आप पहले आप इसको बंद कर दें ताकि डिसेबल कर दें। डिसेबल करने के बाद आप जब नेक्स्ट आप जाएंगे लोकल स्टोरेज, तो यहाँ देखेंगे आपकी स्केड्यूल रिकॉर्डिंग आपकी डिसेबल होगी, आपने इसको अनेबल कर देना है। तो अब आपकी जो भी रिकॉर्डिंग होगी कॉन्टीन्यूसली होगी, यानी 24/7 होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस पे मोशन जो होती है वो मोशन रिकॉर्डिंग होती है वो बाय मोशन बेस्ड होती है। इसके अलावा एक और भी इशू अक्सर लोग मुझसे डिस्कस करते रहते हैं कि अगर आपका कैमरा बंद हो जाए तो ऑफकोर्स कैमरा की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अगर आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाए लेकिन कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही होती है, अगर आपका कैमरा पावर ऑन है तो जैसे ही आपको इंटरनेट मिलेगा आप उसको व्यू कर सकते हैं। तो अगर आपकी पावर चली गई तो वो तो ऑफकोर्स रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, लेकिन अगर आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया तो आपकी रिकॉर्डिंग लोकल रिकॉर्डिंग हो रही होती है। अब हम टाइमलाइन में जाके देखते हैं। जैसे मैं इसकी मेमोरी में जाके देखता हूँ, यहाँ देखें पहले मेरी जो मोशन रिकॉर्डिंग थी वो मोशन बेस्ड थी, फिर जो रेड पट्टी है, जो ब्लू पट्टी है इसका मतलब कॉन्टीन्यूसली रिकॉर्डिंग। तो आप इसको ख़ुद एडजस्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि ग्रीन पट्टी जो शो करती है, सॉरी जो ब्लू पट्टी शो करती है वो कॉन्टीन्यूसली रिकॉर्डिंग के लिए, जो रेड पट्टी वो शो करती है या ऑरेंज पट्टी जो शो करती है वो मोशन बेस्ड रिकॉर्डिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच।